मैंने शिखा को इन्वॉल्व करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे खुद ही उस घड़ी को बदलना चाहिए था। अगर वीर सर ने छानबीन की तो उन्हें पता लग जाएगा कि ये सब मेरी चाल है। अगर मैं पकड़ा गया तो सारा खेल खुल जाएगा। सबको पता लग जाएगा कि मैं ही गद्दार हूं। जानता हूं कि तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि इस तरह की जिम्मेदारी तुम पहले भी बखूबी निभा चुके हो। लेकिन इस बार ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है और सेंसिटिव भी। मैं एक बार फिर से तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस फाइल में लिखी एक एक रिपोर्ट ऑथेंटिक है? 100% सर। और इसमें लिखा हुआ नाम भी घड़ी की कड़वी हकीकत से जुड़ा हुआ है? यकीनन सर। पांडे, जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते, मैं चाहता हूं कि ये मामला सिर्फ हम लोगों के बीच रहे और इसमें लिखा हुआ नाम भी। ऑफ कोर्स सर, जब तक आप किसी से इसका जिक्र नहीं करेंगे तब तक ये बात हमारे और आपके बीच रहेगी। दैट्स गुड। और मैं ये भी चाहता हूं कि तुम दोनों इसी वक्त इस बेस को छोड़कर चले जाओ। सर, तुम कन्याकुमारी जाओगे? यस सर। और तुम लक्षद्वीप जाकर ज्वाइन करोगे? सर। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, लेकिन ये फैसला मैंने तुम दोनों की सुरक्षा के लिए लिया है। सर, तुम जा सकते हो। सर, यकीन नहीं होता कि जिस ऑफिसर का नाम इस रजिस्टर में लिखा हुआ है वो एक गद्दार है। सम्राट से कहो कि मैंने उसे याद किया। यस सर। हॉक्स के मेंबर्स मैंने चुने थे, लेकिन मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ रही है। अगर मैंने गलत इंसान पर भरोसा नहीं किया होता तो उस गद्दार की वजह से समीरा को इतना सब कुछ नहीं झेलना पड़ता। पता नहीं किस हाल में होगी वो। प्रिंसेस, देखो मैं तुम्हारे लिए चाय लाया हूं, वो भी स्पेशल। क्या हुआ, नहीं पीनी है? वाइन शाइन मंगाओ। वाइन? मिस्टर अधिकारी, मुझे नहीं पता था कि आप वाइन भी पीते हैं। वेल समीरा जी, यू आर राइट, मैं वाइन नहीं पीता, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं मेरी प्रिंसेस को बाहर ट्रीट के लिए लेकर जा रहा हूँ तो माहौल एक अच्छी डेट की तरह होना चाहिए, यू नो, रोमांटिक। इसलिए यू नो, कैंडल लाइट डिनर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल यू एंड ब्यूटीफुल वाइन। वेल, ये पूरा रेस्टोरेंट मेरे लिए हायर करके तो मुझे इम्प्रेस तो कर ही चुके हो। स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए तो तुम ही काफी हो। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेंट।
क्या हुआ, कहाँ खो गई थी तुम? लो लो ना, अपने हाथ से पिला रहा हूं, पियो ना। पियो पियो। सर, आपने मुझे बुलाया। एक गद्दार को कैसी सजा देनी चाहिए? मैंने तुमसे पूछा कि गद्दार को कैसी सजा देनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा वही जो देशद्रोही को दी जाती है। और अगर गद्दार हॉक्स का कोई मेंबर हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर, हॉक्स के रूल्स के मुताबिक उसे सजा मिलनी चाहिए। कोड ऑफ पनिशमेंट के मुताबिक गद्दारी की सजा क्या है? मौत, हैंग टिल डेथ। गुड। अभी अभी जो तुमने कहा उसे भूलना मत, याद रखना। लेकिन सर, ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारे सवाल का जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा। कम विथ मी। आदर शेख, तुम जैसे देश के दुश्मनों का खेल अब खत्म हो चुका है। हमारे आतंकवादी संगठन ने जिस गद्दार को हमारी टीम के लिए भेजा था, इसके बारे में हमें पता चल चुका है। अब तुम और तुम्हारा बेटा जहां शेख हमारी नजर में है, तुम्हारी हर हरकत पर हमारी पैनी और चौकन्नी नजर है। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं। कल सुबह 9 बजे का इंतजार करो, तुम्हें पहले गोली की आवाज सुनाई देगी और उसके बाद एक भयंकर चीख। उस जहान शेख की आखिरी चीख होगी। कल सुबह मैं अपने टीम के मेंबर्स की एक मीटिंग बुला रहा हूं और उन सब के सामने मैं उस देशद्रोही का नाम अनाउंस करूंगा और उसके बाद अपने कोड ऑफ पनिशमेंट के मुताबिक उसे सजा दूंगा। याद रखना। आओ सम्राट। सर चलिए, आपको वीर सर बुला रहे हैं। लिफाफे में उस गद्दार का नाम बंद है जो हमारे साथ रहकर हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमारे दुश्मनों तक पहुंचाता रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि वो गद्दार हमारी हॉक्स की टीम का कोई मेंबर है। और उससे भी शर्म की बात यह है कि उस देशद्रोही, उस बहुरूपीय, उस चालाक और शातिर आदमी जो हमारे बीच रहकर हमारे ही यूनिफॉर्म पहनकर हमें धोखा देता रहा, लेकिन आज तक हम उसे नहीं पहचान पाए। देशद्रोही जहां शेख,
और कोई नहीं बल्कि तुम हो। याद है तुम्हें जहां शेख, तो मैंने तुमसे पूछा था कि गद्दार को क्या सजा मिलनी चाहिए, तो तुम्ही ने कहा था कि मौत और केवल मौत। आज तुम्हारा खेल खत्म, तुम इस देश के दुश्मन हो और वीर प्रताप अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता। गुड बाय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज की सुबह मेरी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। कहीं वीर नेहा के सामने मेरा नाम लिया तो क्या होगा? मैं फिर कभी सुबह की रोशनी नहीं देख पाऊंगा। सारी जिंदगी अंधेरों में गुजर जाएगी। अगर मेरा पर्दा फाश हो गया तो अब्बा जान का क्या होगा? ये लोग तो अब्बा जान को नहीं छोड़ेंगे। कल सुबह मैं अपने टीम के मेंबर्स की एक मीटिंग बुला रहा हूं और उन सब के सामने मैं उस देशद्रोही का नाम अनाउंस करूंगा और उसके बाद अपने कोड ऑफ पनिशमेंट के मुताबिक उसे सजा दूंगा। नहीं, जान शेख इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। और मेरी किस्मत